चाय चैट विद लवीना एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब नया साल है तो कुछ नया भी होना चाहिए, नया हो भी रहा है। चाय चैट यूके यूरोप तो घूमता ही रहा है, लेकिन अब हमें न्योता आया है कानपुर से, और मैं कानपुर की गलियों से गुजरते हुए घूमते घामते पहुंची हूँ उस घर जहाँ से हमें आया है न्योता चाय पीने के लिए और चैट भी करने के लिए। तो आइए आप भी मेरे साथ चलिए उस घर, देखते हैं कौन है ये लोग, पता करें आइए चाय चैट को मिला है किससे न्योता। ये भाभी जी घर पे हैं? ये तो बोलते ही नहीं जनाब, एक्चुअली ये पेलू नहीं आप कोई और भी हैं। बोलिए आज आप। बोलिए क्या बोलूं मैं। ये हैं अक्षय जो भाभी जी घर पे हैं के एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, करेक्ट? मतलब आप में जबान भी है। हाँ जी। क्या करते रहती हैं डबल रोल? डबल रोल का मैं तो सिंगल रोल ही करता हूँ। तो ले जाइए हमें अपने भाभी जी के सेट पर। तो आज कुछ पोले खोली जाएंगी, कुछ सीक्रेट्स बताए जाएंगे, कुछ राजों से पर्दे उठाए जाएंगे। गलत उर्दू है ना आसिफ साहब? राजों नहीं राज ही होता है, है ना? आसिफ जी एक्चुअली हमारे सेट के ऊपर उर्दू मास्टर हैं। हाँ। जितने गलत नुक्ते लगाए जाते हैं, जितने ज्यादा एक्स्ट्रा नुक्ते लगाए जाते हैं। नुक्ता है बताओ आपको? हाँ। नुक्ते में भी नुक्ता है। जी, मैं कोशिश कर रही थी। गली में नहीं, लेकिन वो लगा देती है। जितने एक्स्ट्रा नुक्ते लगाए जाते हैं वो ऑफ कैमरा में मुझे देखो इससे ज्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया। नहीं, बहुत शौक है। लेकिन नुक्ते से लाइफ का मतलब बदल जाता है वैसे, है ना? बिल्कुल सही बात है, उसका मतलब बदल जाता है, उसका फ्लेवर बदल जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप सबको चाय चैट की तरफ से, आज तक की तरफ से नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच आप सबको। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू, थैंक यू, विशिंग यू द सेम। आज थोड़ी से कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमें थोड़े से राजें पता लग जाएं। राजें आप क्या बात करना चाहती हैं? राज आई वांट अननोय यू ऑन न्यू इयर्स। तो ये है वो रिंग मास्टर हंटर इनके हाथ में रहता है। ये हंटर वाली का हंटर ये जाते हैं अपने मंदिरों को, अपने शेर चीतों को नचाते हैं। ही इज द वन, ही इज द रिंग मास्टर शॉट। हां, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द शो। और मैंने खास तौर पे उन्हें आज यहाँ न्योता दिया है। ये जिन कठपुतलियों को नचाते हैं वो यहाँ बैठे हैं। बट आई हैव टू कठपुतली तो मत बोलो, एक्टर्स बोलो। No, I don't want. No annoying. No more annoying now without nukta. अच्छा, तो एक एक ऐसे एक बात बताओ शशांक, हाँ, कि आप अभी मैंने देखा आपको डायरेक्ट करते हुए, आप you were improvising on the way, you were telling everyone what to do. Are you yourself a very funny person, or where do you get all these ideas from? I'm not funny, I don't think I'm funny, but no, you create a lot of funny stuff. I was seeing aise maar do, aise with little nuances, huh? He does it, no? See, I've been brought up on Tom and Jerry. I think there's a brat in me, there's a little child in me, which I keep alive, you know. So I just work as a child, and that's all. Exactly. So that's why we are on the same page. You must have seen the way we work. And he basically is a tweaker. जो सीन लिख के आता है उसको ट्वीक करता रहता है ये। और समटाइम ऐसा होता है कि वो सीन का मतलब ही चेंज कर देता है, समटाइम ऐसा भी होता है। सो एक तो हाँ, एक राज मैं खोलती हूँ कि नॉट ओनली हमारी स्क्रिप्ट पर लेकिन ऑफ कैमरा भी जितनी सारी नॉटी प्रैंक्स और जितनी पुलिंग लेग होती है उसका बीच कहीं बहुत स्मार्टली शशांक कहीं ना कहीं डाल देता है, उसको भी हम कैच कर लेते हैं। नहीं, ही इज द सीड, ये डालता ही है, उसके बाद दूर खड़ा हो जाता है, चलो खेल खेलो, ये मजे लेता रहता है। शक्ल से बहुत आपको अनज्यूम लगेगा, ऐसा लगेगा नहीं आपको, लेकिन ये बहुत गहरी चीज है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिम। तो यहाँ पे वो कौन है सबसे कॉमिक जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, एक्चुअली बेवकूफ बनते हैं? मेरे बोलने से पहले कॉम्प्लीमेंट। क्या आप बहुत समझदार समझते हैं पर एक्चुअली एग्जैक्टली बहुत बड़े? नहीं नहीं, आसिफ भाई चिराम दे, आसिफ भाई हां चिराम। आसिफ जी का ये पूरा इमेज ऐसा है कि आसिफ जी बहुत सीधी हैं, सीधे हैं, अल्लाह मियाँ की गाय हैं बिल्कुल, लेकिन हमें ऐसे ही कुछ पता लगता रहता है शशांक से कि भाई इनके पास बरसों का एक्सपीरियंस है, आउटडोर एक्सपीरियंस है, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे हॉट हैपनिंग और ऐसे सीन्स किए हैं। आप क्या बात कर रही हैं?
आर वी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ या ओनली मी? और भी लोग बैठे हैं, मुखातिब हुई है प्लीज, जरूरी कि मेरे पत्ते सारे खोल दिए जाए आज? अल्लाह मियाँ की गाय तो आप इनके लिए ना? नहीं नहीं, किसी के लिए ये सब कहने की बात है सब मुझे मेरे लिए आसिफ जी चंट सहेली है मेरी सेट पे, एक्चुअली मेरी चंट सहेली आसिफ जी हैं। दे दो यार, इसके बारे में बोली दो। अब आप शुभांगी तुमसे शुरू करते हैं कि ये कौन है सेट पर? ये मैडम जो वहाँ बैठी गोरी मैम, ये हम सबकी प्रिंसिपल है। हाँ, और वो भी बहुत स्ट्रिक्ट। यस हेड मिस्ट्रेस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सबके डाइट के बारे में, सबके क्लोथिंग के बारे में, खाने में, सफाई हाइजीन के मामले में, हर चीज के मामले में शी इज द बाय द वे दिस डजंट कम एज न्यूज़ टू मी। यू मीट मिस टंडन इन द मॉर्निंग, सो आई सेज गुड मॉर्निंग मिस, गुड मॉर्निंग, शो मी योर नेल्स, यस, शो मी योर टंग, शो मी योर टीथ, या नाउ गो इनसाइड द मेकअप रूम, गेट रेडी। सूरज का सातवां घोड़ा, पहले तो मैं अपना सौम्य जी के बारे में बता दूंगा कि मैं इनका सबसे कमजोर स्टूडेंट हूँ। ये मुझे पूरी तरह से ग्रूम करना चाहती है, रोज कभी मेरे दांत देखती है कि देखो रोहिताश, ये पहली फोटो से भी कंपेयर किया एक बार कि देखो यहाँ हंसते हुए पूरे दिख रहे हैं, अब ये घिस चुके हैं। तो अब मैं तुम्हें एक डॉक्टर का पता दूंगी, वहां जाना है तुम्हें हर रोज, और ये हर रोज नित्य नियम पूछती भी है कि गए थे या नहीं गए थे, तो मेरी हमेशा क्लास होती रहती है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं सबसे कमजोर स्टूडेंट हूँ, और मैं इसे अंदर ही अंदर मान के खुश भी होता रहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कोई तो है जो मेरा इतना ख्याल रख रही है। आप बताइए, रोहित जी एक स्लीपिंग वॉल्केनो सुप्त ज्वालामुखी है, क्या बात है, भाई तो बहुत ही फटने के लिए काफी बेताब। क्या छुपा के रखा है आपने अंदर रोहित जी? लावा। किसका लावा है, किधर से आया, क्या है इसका स्रोत? लेकिन उसको फटने का मौका नहीं मिल रहा है। शुभांगी जी एक सती सावित्री नारी है, जो भारतीय मूल की जो नारियां होती हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। ये हमारी अन्नपूर्णा देवी भी हैं, हमारे लिए हर रोज बहुत सारा खाना लेके आती हैं, तरह तरह की चटनियों से भी व्यवस्था कराती हैं। भाई इंदौर की हैं, मालवा की हैं, हम भी उज्जैन के हैं, आप मालवा की हैं, ये इंदौर की है, इनकी प्यारी सी बच्ची है एक, जो दिखता नहीं है कि है। हाँ ना, हाँ जी है, उसका नाम आशी है और वो 6th स्टैंडर्ड में है। अच्छा ये बताएं कि जब कोई कॉमेडी शो होता है तो आपको लगता है इट इज माहौल जरा हल्का रहता है, और इट इज व्हाट मेक्स इट वेरी, भी हमारे उसमें तो हल्का ही रखते हैं हम तो, नहीं हमारा तो हम लोग ही ऐसे हैं, अगर माहौल हल्का नहीं रहेगा तो हमसे काम भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये हमारा शुरू से जो अपने आई स्टार्टेड वी आर डूइंग यस बॉस विद शशांक, he was the third assistant in Just Boss by the way, sixth assistant, he's a clapper boy. But I was always knew ki he'll make it among those six guys, I used to tell him, I said he's the one who's going to make it. So hamara wo shuru se ek hi page pe rahe hain, hamara writer bhi saath mein kaam kar raha hai 15 20 saal se, Manu Santoshi, ye Soumya ne bahut late join kiya, abhi join kiya, lekin now Soumya ji ne kafi guards inke aap the jab aaye the, wo sare guards humne sula diye, ha sula diya, now she is guardless, now she is guardless. Kaun se guard the jo sula diya aapne, bataiye, ye batayenge kaun se guard, main aapko shayad pata nahi hai lekin main sabse zyada tang main khichti hu aur sabse zyada tang khichi jati hai Aasif ji ki, bataiye ek gari baat pe khichi jati hai, कोई बात जरूरत कोई बात बात, कोई बात की जरूरत नहीं, बात की जरूरत नहीं, आसिफ सिर्फ टांग की जरूरत है, खींचने वाले की जरूरत है, बैठा हुआ आप खेलो उससे तो कोई भी आता तो खेल के चला जाए, मतलब आप सेट के खिलौने हैं, सही समझ लीजिए खिलौने, इतने भी खिलौने हैं, लेकिन मेरे भी अपने खिलौने हैं, आई ऑल्सो सेट ऑफ खिलौना, कौन से आपके खिलौने, मेरा हप्पू सिंह है बहुत बड़ा खिलौना, टीका, मलखानी, मेरे तीन परमानेंट खिलौने हैं, जब मैं बोर होता हूँ रूम में तो बुला आ जा बेटा, और आपके खिलौने कौन है रोहिताश, यही है मेरे खिलौने, शुभांगी आपके, मैं तो अभी सब देखती रहती हूँ, अभी थोड़ा कम टाइम हुआ है ना, अभी नहीं आई, नहीं तो शैतानी बच्चा मेरे अंदर भी है, वो आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे आएगा, और कभी कभी हमें खुद खिलौना बनने में मुझे भी मजा आता है, खामोश रह के खिलौने बने रहूंगा, वैसे मैं खोल लेती हूँ कोई बात नहीं, राज, क्योंकि राज ही खुल रहे हैं, रोहित जी गुलफाम कली के हाथ का खिलौना है, ये उसके हाथ से खेलना, उसके हाथ से खेलना चाहते हैं, आप खेलना चाहते हैं कि खेलना चाहते हैं,
ये चाहते हैं कि वो इनसे खेले खेल के खेले ये इन्होंने थोप दिया मेरे ऊपर घुमा फिरा के। आप देखिए यहाँ अटकेलियां चल रही हैं। शशांक आप किसके हाथ के खिलौने? मैं अपनी बीवी के हाथ। मैं भी बोलने वाला था। इवेंचुअली हर आदमी बीवी के हाथ का खिलौना होता है। वैसे एक बात है, सच्ची बताएं, आप घर में भी इतने ही नहीं, बिल्कुल नहीं, पत्नी व्रता है, पत्नी व्रता इससे भी ज्यादा इससे भी ज्यादा मुमकिन है आसिफ? ऑफ कोर्स आई लव माय वाइफ एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ हर। I love my wife, but I'm scared also. No, no, but I mean. मतलब आप ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी अपने सेट पर। I'm married for the last 27 years. Wow. How do you manage that? I have a daughter who's 26 years old. So मतलब मैं तो दो औरतों के बीच में फंसा हुआ हूँ। उसकी नहीं सुनता तो उसकी सुनता, उसकी नहीं सुनता तो उसकी सुनता, तो किसी ना किसी सुननी पड़ती है। शशांक, आप इस सेट के सारथी हैं। रिंग मास्टर हैं, गुंडे हैं। है ना, एक ही गुंडा रहता है, आपने बोला था ये मेरे पहले शो में। गुंडे तो ये ये बेचारे खिलौने भी हैं, ये बेचारे गुंडे भी हैं। एक्सक्यूज मी, उस तरफ आप ग्रुप ऑफ लौंडास मिलेंगे जो बताएंगे कितने बड़े बोली हैं। ये बेचारे वहां से घूर घूर के देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये क्या, मैं दबा देता हूं, बोले हम झूठ बोल रहा है आदमी अंदर बैठा हुआ। ये सेकंड सेगमेंट में आपको मैं इसका खुलासा भी करेंगे हम, तो खुलासा सही था ना, लगा के है ना, बिल्कुल दबा के। तो ये बताएं कि इस पूरे सेट में हु इज गॉट द फनीएस्ट बोन? मनोज जी। हाँ, मनोज जो हमारे राइटर है, यू सी ही इज द फाउंडेशन, और सारी बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी है। सही बात। तो मनोज इज वेरी वैकी एंड ही इज वेरी, मनोज इज अ कैरेक्टर, यू नो, आपको उससे मिलना चाहिए। आप प्लीज उसका इंटरव्यू जरूर लीजिएगा आप। जरूर नहीं, आज हम कोशिश कर रहे थे कि अगर वो यहाँ होते वाल्मीकि साहब तो उनका भी लेते। और मनोज, वैसे सबको मजे के लिए बता दूं, मनोज संतोषी ने ये पूरा शो भाभी जी जो है ये अपने फोन पे लिखा है। So all the scripts are written on his phone. On the phone. He messages the scenes. I have all the scenes on WhatsApp. And the situations when he writes on the phone could be the pot in the morning, could be sitting in the corridor, sitting in a party in a corner with three drinks down. So these are all very ideal situations. Actually, we must say on the pot is the sihasan of wisdom. उनको क्या है ना, हमारे जो writer हैं वो अकेले में एकांत में घबरा जाता है। हाँ। उसको भीड़ में लिखना है।